हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है और धन एप्लीकेशन के थ्रू कमोडिटी में आप किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप उसके शेयर खरीद रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप पीतल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी नेचर के द्वारा आपको दिया जाता है, ठीक है, जैसी कंपनी क्या है, आदमी ने बनाई हुई है, ठीक है, कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, तो उसको आदमी द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें प्रकृति ने दी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि ऑयल, गैस या फिर कोई भी धातु, ठीक है, तो अगर आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना है, अब धन एप्लीकेशन के थ्रू आप इनमें किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, धन मोबाइल ऐप के थ्रू कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको धन एप्लीकेशन ओपन करना है और इसमें आप अपनी लॉगिन डिटेल डालकर लॉगिन हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास धन का डीमेट अकाउंट नहीं है, अभी तक आपने धन में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है, तो आपको धन में अपना डीमेट अकाउंट ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि धन में डीमेट अकाउंट बनाने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट का आपका इसमें डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन होगा। दूसरा बेनिफिट कि आपसे लाइफ टाइम कोई भी AMC चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको धन में ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि इधर आपसे ब्रोकरेज चार्ज 50% कम लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप इसमें अपनी लॉगिन डिटेल डाल लोगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मान लीजिए आपको कमोडिटी में ट्रेड करनी है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो तो दोस्तों, यहाँ पर बीच में अभी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हो रहे हैं, जिसमें इक्विटी, ETF, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी और लास्ट में आपको कमोडिटी का भी ऑप्शन हो रहा है। तो आप कमोडिटी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें दो ऑप्शन और आएंगे कि आप फ्यूचर में करना चाहते हैं या फिर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, फ्यूचर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन को करना चाहता हूँ तो मैं ऑप्शन को भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये नीचे आपके सामने धातुएँ आ जाएंगी कि आप किस धातु में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ऊपर एल्यूमिनियम है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम को ही ले लेता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस अकाउंट में मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं इसमें करता हूँ तो मुझे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है, ऊपर ये एल्यूमिनियम का रेट वगैरह, ठीक है, और इसमें इसके एनालिटिक्स आ रहे हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। नीचे चार्ट भी आ रहा है, अब ये 1 महीने का है, ठीक है, इधर ये 1 दिन का है, 5 डे, 1 ईयर, ठीक है, 5 ईयर मैक्सिमम। तो दोस्तों, ये है, अगर आप इसको कैंडल के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप कैंडल पर भी क्लिक करके ये आपकी कैंडल वाले रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ है, मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ। अभी मैं ऊपर जाके, अगर ऊपर से आप जाना चाहते हैं इसके ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको ट्रेडिंग व्यू का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप इसका चार्ट एकदम आसान तरीके से देख सकते हैं, 1 महीने का या फिर 6 महीने या फिर 1 ईयर। तो दोस्तों, इतना आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अपना माइंड बना लिया कि मुझे इसमें शेयर खरीदना है या फिर बेचना है, तो इधर नीचे आपके सामने दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, बाई का भी, सेल का भी, तो मैं यहाँ पर बाई पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे ही आपके सामने यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इधर ये ट्रेडिंग या फिर नॉर्मल आप करना चाहते हैं तो वो है, ऊपर ही रेट वगैरह लिखा हुआ है, इधर एक क्वांटिटी आप इधर से घटा बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्राइस आप मार्केट या फिर आप लिमिट लगा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी या फिर इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेम उतना ही आपको उसी तरीके से यहाँ पर भी करनी है। तो दोस्तों, एक क्वांटिटी आप यहाँ से घटा लेंगे तो नीचे प्राइस भी घट जाएगा। तो दोस्तों, ये है, तो अभी मैंने इसमें फंडेड नहीं है, मेरा सिर्फ इसमें 200 रुपये फंडेड है, जबकि इतना मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप बाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी रीडायरेक्ट करेगा कि आप पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करो, जैसे कि दोस्तों अभी आ गया है, ठीक है, अभी ये नीचे प्रूफ भी बताया गया है कि आप क्या क्या, उसके बाद इधर मैं आगे प्रोसेस करके और मैं अपना स्टेटमेंट अपलोड कर दूंगा तो मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका नहीं और आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, कमोडिटी में जो ट्रेडिंग करने का टाइम है तो वो 9:15 से लेकर रात को 11:30 बजे तक है, तो आप इतने टाइम के बीच में कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया धन एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना।
अगर आपका धनमय डीमेट अकाउंट नहीं है तो धनमय आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। धनमय डीमेट अकाउंट ओपन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धन पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको धन एप्लीकेशन को यूज करने के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।